walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. जैसा कि आप सभी ने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा कि मैंने अपने लैपटॉप के साथ तीन तीन डिस्प्लेस अटैच की हुई है ना, एक्सटेंड की हुई है, जिसमें से मेरा एक डिस्प्ले जो है वो मॉनिटर है और जो दूसरा डिस्प्ले है वो मैंने अपने सैमसंग के टेबलेट को बनाया हुआ है। तो आप लोग एक वीडियो मतलब एक डिस्प्ले के साथ साथ कोई दूसरा डिस्प्ले भी एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे वो फोन हो या फिर टेबलेट हो। तो आप ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, वही चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। तो आप सभी को अपने डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है स्पेस डेस्क। ये एप्लीकेशन आपको अपने टेबलेट या फिर फोन के प्ले स्टोर में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको ब्रेव ब्राउजर या गूगल ब्राउजर किसी में भी मिल जाएगा ऑनलाइन। जैसे कि देख सकते हैं मेरा स्पेस डेस्क ड्राइवर कंसोल मेरे सिस्टम में डाउनलोडेड है, तो मैं आप सभी को लेकिन दिखाऊंगा कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। इसी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है स्पेस डेस्क। जैसे आप स्पेस डेस्क सर्च करेंगे तो आपके ऊपर सबसे पहला जो लिंक मिलेगा स्पेस डेस्क मल्टी मॉनिटर ऐप का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप उसको खोलेंगे, ये जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का, उसको आपको क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो अगर किसी के पास 64 बिट का विंडोज़ है या फिर 32 बिट का विंडोज़ है, तो उन दोनों के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। तो 64 बिट वाले इस लिंक को डाउनलोड करें और 32 बिट वाले इस लिंक को डाउनलोड करें। और यहाँ पे विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 मेंशन किया गया है, तो आप लोग अपने विंडोज़ को और 64 बिट और 32 बिट को ही देखकर डाउनलोड करें। तो मेरा लैपटॉप 64 बिट है। अगर आपको जानना है कि आपका लैपटॉप कौन से बिट का है, तो उसके लिए भी एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी क्या करना है, इसमें क्लिक करना है, तो आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, आपको सेव में क्लिक करना है और यहाँ से आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा डाउनलोड हो चुका है, इसको सिंपली इंस्टॉल करने के लिए आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऐसा पॉपअप आएगा, आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट में क्लिक करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट में क्लिक करना है और इंस्टॉल में क्लिक करना है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास पहले से ही इसका जो है एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो मैं इसको फिर से इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं इसमें नो क्लिक कर दूंगा। आपके में ऐसा पॉपअप नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली फिनिश का पॉपअप आ जाएगा, तो आपको फिनिश में क्लिक कर देना है। चल फोन या फिर टेबलेट में डाउनलोड करने के लिए आप लोग को सिंपली प्ले स्टोर खोल लेना है। ऊपर जाते ही आपको सर्च करना है स्पेस डेस्क। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये जो पहला टॉप में एप्लीकेशन दिख रहा है स्पेस डेस्क, लोगो देख लीजिए, है ना, इसको आप लोग क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है और इंस्टॉल में क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल में क्लिक करेंगे, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको अपडेट कर लूँगा, है ना। आप लोग को इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद वो अपना जो स्पेस डेस्क है उसको ओपन कर लेना है और साथ ही साथ जो लैपटॉप में स्पेस डेस्क एप्लीकेशन है उसको भी ओपन कर लेना है। आपका जो स्पेस डेस्क एप्लीकेशन है वो किसी कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो इसमें जो ऑन ऑफ का ऑप्शन है उसको आपका ऑफ होगा, तो आप उसको ऑन कर लीजिएगा, है ना। इसको ऑन करते ही जो आपका टेबलेट या फिर फोन का जो स्पेस डेस्क होगा उसमें आपका जो सिस्टम होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो आपका स्पेस डेस्क कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप लोग को ये चीज़ एकदम कंफर्म रखनी है कि जो आपका टेबलेट है और जो आपका लैपटॉप है वो दोनों एक ही वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड हो, तभी आपका जो डिस्प्ले है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगा, है ना। यानी कि जो आपका लैपटॉप का डिस्प्ले है वो दूसरे टैब या फिर फोन में एक्सटेंड हो पाएगा। तो ये देखिए कि मेरा जो लैपटॉप है वो मेरे फोन से कनेक्टेड है और साथ ही साथ जो टेबलेट है वो भी मेरे फोन से कनेक्टेड है। तो जैसे ही दोनों एक सेम वाईफाई पे कनेक्ट होंगे, ये जो है आपका ऑटोमेटिकली जो आपका जो लैपटॉप का डिस्प्ले होगा, है ना, जो उसका आईपी एड्रेस होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिर जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, ये क्लिक करते ही जो है आपका डिस्प्ले वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप के डिस्प्ले को किसी भी फोन या फिर टेबलेट में एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर डुप्लीकेट कर सकते हैं। थैंक यू।